हेलो यूट्यूब, स्वागत है आप सबका नई अनबॉक्सिंग वीडियो में। डिवाइस आ गया है मेरे पास, आसुस का रोग LIX। अब इसे अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको आपके साथ एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा, जो आसुस की वेबसाइट से मैंने ये एक्चुअली ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। ऑर्डर प्लेस डेट है 19th ऑफ अगस्त। 19th ऑफ अगस्त को ये ऑर्डर मैंने प्लेस किया था, 21st को इन्होंने शिप किया है। जो सबसे बड़ी गलती इन्होंने यहाँ पर की है, इसको शिप किया है सर्विस के थ्रू। तो ये पहुंचा है मेरे पास 27th को, तो 8 दिन के बाद मुझे ये पैकेज डिलीवर हुआ है। पैकेज डिलीवरी कुरियर यूज़ किया था ब्लू डार्ट का, और डिलीवर करने में लगा दिए इन लोगों ने 8 दिन। मुझे मुंबई से ये पैकेज आया है, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इशू बस ये रहता है कि अगर यू नो हैंडलिंग में कुछ इशू हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रांज़िट, तो डिवाइस के ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। आई एम होपिंग कि कुछ डैमेज वगैरह डिवाइस को ना हुआ हो। बट यहाँ एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मुझे शेयर करना था आप लोग सभी लोगों के साथ, ताकि आप ध्यान रखें ऑर्डर करने से पहले आसुस की वेबसाइट से। चलिए इनबॉक्स करते हैं इसको। ऑलराइट, सो बॉक्स से निकालने के बाद जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो मुझे काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि जो पैकिंग है काफ़ी अच्छे से करके भेजा था आसुस ने, और जो बॉक्स है पूरा इंटैक्ट है सेलोफेन से। इसके साथ कुछ पुस्तकें, चार्जिंग केबल है, और ये इसका चार्जिंग ब्रिक है। काफ़ी सालों के बाद मैं कोई विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाला हूँ गेमिंग के लिए। आई थिंक जो लास्ट बार मैंने जो गेमिंग की थी विंडोज़ के सिस्टम में, वो की थी 2010 फीफा और प्रोटोटाइप जैसी गेम्स के टाइम पर। दो चार्जिंग पोर्ट है, आई थिंक एक ही पोर्ट है इसमें थंडरबोल्ट। आई एम नॉट श्योर अगर ये थंडरबोल्ट है या नहीं है। वॉल्यूम अप एंड डाउन, माइक्रो SD, आई थिंक हेडफोन जैक एंड द पावर बटन। इस डिवाइस की डिलीवरी होने से पहले ही मैंने अमेज़ोन से ये इसका केस मंगा लिया था। आई थिंक 1300 रुपीज़ के आसपास मुझे इसका चार्ज लगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगा ट्रैवलिंग के टाइम पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।